जेई मेन 2020 का 8 जनवरी यानी आज का जो पेपर है फर्स्ट इनिंग का, उसका एक क्वेश्चन आया हमारे पास। क्या है देखो, इन्होंने कहा कि भाई ये एक एल्कीन लेंगे, इसके ऊपर साइनाइड लगा देंगे और फिर परोक्साइड से एक इंटरमीडिएट ए बनाएंगे। जाहिर है परोक्साइड से अगर बनाएंगे तो वो एक फ्री रेडिकल होगा। फिर उस इंटरमीडिएट ए को एक 1, 2, 3, 4, 5 पेंट 1-ईन से ट्रीट करके प्रोडक्ट बी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई ए और बी क्या है ये पहचानो तुम, ठीक है ना। ऑप्शन वन में उन्होंने इस तरह का एक फ्री रेडिकल और एक प्रोडक्ट बनाया, ऑप्शन टू में दूसरा फ्री रेडिकल और प्रोडक्ट बनाया, ऑप्शन थ्री में तीसरा फ्री रेडिकल और प्रोडक्ट बनाया, फिर ऑप्शन फोर में फिर एक और फ्री रेडिकल और प्रोडक्ट बनवाया। सोचने वाली बात यह है कि हमारा जो पहला वाला ये जो पहली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट ए उन्होंने बोला है वो एक्चुअली एक इंटरमीडिएट है जो कि एक फ्री रेडिकल है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही बात है? तो जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो हमने ये देखा कि ये एक अल्कीन है और इसकी रिएक्शन करवाई गई है परोक्साइड से। तो परोक्साइड से, यू नो, परोक्साइड्स आर बेसिकली दी कैटलिस्ट फॉर दी फ्री रेडिकल जनरेशन। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हम या तो फ्री रेडिकली ब्रेक करके इधर की ओर एच या वो कुछ लगवा देंगे, जैसे परोक्साइड लिया होगा, एच एक्स लिया होगा या कुछ लिया होगा, एच फ्री रेडिकल यहाँ लग जाएगा और एक फ्री रेडिकल यहाँ बन जाएगा। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम फ्री रेडिकल यहाँ बनवा दें या फिर हम फ्री रेडिकल यहाँ बनवा दें। ये फ्री रेडिकल एडिशन जैसी रिएक्शन है, ठीक है ना। अगर हमने फ्री रेडिकल यहाँ बनवाया तो इस साइनाइड का माइनस आई लगेगा जो उसको अनस्टेबल करेगा दूर से, और कहीं अगर हमने यहाँ फ्री रेडिकल बनवाया तो ये फ्री रेडिकल इस माइनस एम की वजह से स्टेबिलाइज होगा। आपको पता है कि फ्री रेडिकल्स आर स्टेबिलाइज ड्यू टू प्लस एम एज वेल एज ड्यू टू माइनस एम बोथ। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट की खास बात ये होती है कि वो प्लस एम से और माइनस एम दोनों से ही स्टेबिलाइज होते हैं, ठीक है ना। तो जरा देखो, अगर ये फ्री रेडिकल बना तो आउट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी दिस फ्री रेडिकल विल बी मोस्ट स्टेबल वन। दिस इज आवर इंटरमीडिएट ए जिसको उन्होंने प्रोडक्ट ए लिख दिया है, ठीक है ना। फिर वो कहते हैं कि इस ए से शुरू करेंगे, हम ए से शुरू करेंगे और 1, 2, 3, 4, 5 पेंट इन की रिएक्शन करवाएंगे, पेंट वन इन की और बी बनवाएंगे, ठीक है ना। ए क्या है? ए है वही फ्री रेडिकल साइनाइड के साथ, और दूसरा रिएजेंट क्या है हमारे पास? दूसरा रिएजेंट है पेंट वन इन। जब ये फ्री रेडिकली ब्रेक होगा एडिशन करने के लिए तो या तो फ्री रेडिकल यहाँ बने या यहाँ बने, ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल यहीं पर है सेकेंडरी वाला, ठीक है ना। फ्री रेडिकल की कंडीशन की वजह से उन्होंने इसको ब्रेक करवाया होगा, एक तरफ एच फ्री रेडिकल लगाया होगा तो दूसरी तरफ फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, यहाँ एच फ्री रेडिकल लगाया होगा तो दूसरी तरफ फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, फ्री रेडिकल बनाने की कंडीशन बनाई है परोक्साइड की प्रेजेंस में। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल जब एडिशन, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल जब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन करेंगे जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा बताओ? तब ये हो जाएगा ये साइनाइड और यहां से ये कनेक्ट होगा, ठीक है ना। यहां से कनेक्ट होगा तो 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ठीक है ना, और ये फिफ्थ वाला 1, 2, 3, 4, 5 ये था ना, ये बन जाएगा प्रोडक्ट बी, देख रहा है। तो बेसिकली ये दो फ्री रेडिकल्स का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें हमें ये देखना है कि यहाँ पर फ्री रेडिकल साइनाइड के माइनस एम की वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा। इट विल बी स्टेबल ड्यू टू माइनस एम ऑफ साइनाइड ग्रुप, ठीक है ना। साइनाइड ग्रुप के माइनस एम की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और जब ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो दूसरा फ्री रेडिकल जो प्राइमरी या सेकेंडरी में बनना था वो सेकेंडरी में ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और इस तरह से एडिशन हो जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल्स आपस में कॉम्बिनेशन भी करते हैं और डिस्प्रोपोर्शनेशन भी करते हैं, ठीक है ना। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन वाले प्रोडक्ट्स इन्होंने ऑप्शन में बनाए नहीं हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन वाले सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हैं बी वाले प्रोडक्ट के तौर पर। बी के लिए जितने भी ऑप्शन इन्होंने क्वेश्चन में दिए हैं उस समय उन्होंने कॉम्बिनेशन वाला ही प्रोडक्ट बनवाया हुआ है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पर उन्होंने अवॉइड करी है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर इस हिसाब से क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन थ्री, नोट करें।
जेई मेन 2020 का 8 जनवरी का यानी आज का ही एक और क्वेश्चन हमारे पास है, बच्चों से मिला हमें, मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आप देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एट कार्बनों की चेन पर दो जगहों पर, यानी कि 2 पर 2 3 4 5 6 टू और सिक्स पर डबल बॉन्ड्स है और 3 और 7 पर एक एक मिथाइल भी लगे हैं और यहाँ पर 1 पर OH। इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करवाई है, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करवाई जा रही है। पूछा है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना, बनाते हैं जरा सा देखते हैं। देखो क्या है, ये है हमारा कंपाउंड राइट, और डाइल्यूट H2SO4 से इसकी रिएक्शन करवाई गई। आपको पता है कि इससे H प्लस मिलेगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूँ और जो भी मेरे स्टूडेंट्स को देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे कि H प्लस डबल बॉन्ड पर भी आता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल और H प्लस OH पर भी प्रोटोनेशन के द्वारा कार्बोकैटायन बना सकता है। एक बार फिर से बोलता हूँ, H प्लस डबल बॉन्ड पर एज एन इलेक्ट्रोफाइल आकर कार्बोकैटायन बना सकता है और H प्लस OH ग्रुप पर आकर और प्रोटोनेशन करके H2O निकाल के कार्बोकैटायन बना सकता है। और मैंने बोला हुआ है कि जब भी कभी ऐसा हो कि डबल बॉन्ड और OH ग्रुप एक साथ हो तो हम कहां पर किसको निकालकर प्लस चार्ज बनवाएं, इसमें जब भी दुविधा हो तो ध्यान रखना, अगर OH के निकलने के बाद बनने वाला पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड हो तो OH को ही निकालना है। ये हम लोगों ने पहले किया हुआ है कि अगर H2O बनाकर OH को प्रोटोनेट करके OH2 प्लस बनाकर और इसको निकाल के प्लस चार्ज यहां बनाना हो, कार्बोकैटायन यहां बनाना हो और वो कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड हो तो जरूर यही काम करना, ठीक है ना। तो आप देख लें अब क्या होगा, सबसे पहले बताओ सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये प्रोटोनेशन कर लेगा। जब ये प्रोटोनेशन कर लेगा तो क्या मिलेगा साहब, OH2+, ठीक है ना। अब ये OH2+ इसमें से जब H2O निकालेगा तो बनाएगा क्या, कार्बोकैटायन। H2O निकालकर कार्बोकैटायन, और ऐसा कार्बोकैटायन बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए ऐसा कार्बोकैटायन, क्योंकि ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, ये बन गया साहब कार्बोकैटायन। इस कार्बोकैटायन पर मैं नंबरिंग कर देता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6। मैं ये बताना चाहता हूं कि अब ये एल्कीन इस पर इंट्रा अटैक करेगा और एक 6-membered रिंग बनने वाली है। देख रहे हो क्या, बना दो 6-membered रिंग। मैं एक 6-membered रिंग बना देता हूं और नंबरिंग अपने हिसाब से कर देता हूं। कहां से करूं नंबरिंग, मैं नंबरिंग करता हूं यहां से 1 2 3 4 5 6। आप मुझे बताएं, 2 और 3 के बीच में एक डबल बॉन्ड है और 3 पर एक मिथाइल भी है और 6 पर क्या है, 6 पर एक सिंगल बॉन्ड होगा और इस पर आएगा एक कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन आएगा जो डाइल्यूट H2SO4 की वजह से यहां से OH लगवा देगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा भाई, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, यहीं OH लग जाएगा, देख लें आप। तो दिस विल बी आर प्रोडक्ट, देख रहे हो क्या। अपने को केवल डिसाइड करने में एक ही जगह मुश्किल थी कि हम इस H प्लस का अटैक डबल बॉन्ड पे करा के कार्बोकैटायन बनवाएं या OH का प्रोटोनेशन करा के कार्बोकैटायन बनवाएं। सिंपल सी ट्रिक है, क्या ट्रिक है, OH का प्रोटोनेशन करा के H2O निकालकर कार्बोकैटायन तब बनवाना जब बनने वाले कार्बोकैटायन को रेजोनेंस स्टेबिलिटी हो, वरना तुम डबल बॉन्ड पे अटैक करवाना, सिंपल से पंडा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या मिला, इस क्वेश्चन के लिए आंसर मिला 3। नोट करें इसको आप, जेई मेन 2020 का 8 जनवरी का ये पेपर है। एक क्वेश्चन हमें मिला है इसमें कि रिएजेंट यूज फॉर द गिवन कन्वर्जन इज, क्या कन्वर्जन करना है साहब इसमें। इन्होंने एक कंपाउंड लिया है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं जरा देख लो इसमें। एक है
कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दूसरा है अमाइड ग्रुप, तीसरा है कीटोनिक ग्रुप और एक और है साइनाइड ग्रुप। और वहाँ पे कन्वर्जन करने के बाद क्या बनाया उन्होंने, कार्बोक्सिलिक एसिड को स्पेसिफिकली रिड्यूस करके एल्कोहलिक बना दिया, बाकी सारे ग्रुप एज इट इज़ है। वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा रिएजेंट आउट ऑफ दीज फोर गिवन रिएजेंट्स, विच रिएजेंट विल बी द मोस्ट सुटेबल वन फॉर दिस कन्वर्जन, क्या एच टू पैलेडियम होगा, क्या बी टू एस सिक्स होगा, क्या एन ए बी एच फोर होगा या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा। चेक करते हैं, अगर मान लो हमने ये कंपाउंड लिया, यहाँ पे सी ओ ओ एच है, यहाँ पर सी ओ एन एच टू है, राइट, यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ है सी ओ सी एस थ्री और ये लिया हुआ है साइनाइड। अब अगर एक एक करके चेक करते हैं, पहला वाला क्या है भाई, एच टू पी डी। एच टू पी डी देखो एसिड को नहीं करता है, एमाइड को नहीं करता, लेकिन ये कीटोन को तो बना देगा एल्कोहल और साइनाइड को बना देगा प्राइमरी अमाइन, ठीक है ना। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, प्रोडक्ट मिलेगा हमें इस तरह से, जिसमें ये तो हो जाएगा ओ एच और ये हो जाएगा सी एच टू एन एच टू, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ, दिस इज नॉट आवर आंसर, ऑप्शन वन इज नॉट आवर आंसर। फिर दूसरा रिएजेंट क्या यूज कर रहे हैं, बी टू एस सिक्स। बी टू एस सिक्स इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट कन्वर्टिंग सी ओ ओ एच टू सी एच टू ओ एच, वेरी स्पेसिफिक, ये इसको सी एच टू ओ एच बना लेगा, ये सी ओ एन एच टू जैसे था वैसे रह जाएगा और ये जो है ये कीटोनिक रह जाएगा और ये साइनाइड रह जाएगा। मैं आपको बताऊं कि बी टू एस सिक्स इज द मोस्ट सुटेबल वन, दिस इज आवर आंसर। लेकिन मैं आगे के रिएजेंट्स भी कर देता हूं, एक है एन ए बी एच फोर। एन ए बी एच फोर क्या करेगा भाई, एन ए बी एच फोर एसिड को टच नहीं करेगा, एन ए बी एच फोर एमाइड को टच नहीं करेगा, NaBH4 केवल कीटोन को एल्कोहल बना सकता है, बाकी ये एक वीक रिएजेंट है और किसी को टच नहीं करेगा। अच्छा, आखिरी रिएजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन चारों में से सबसे ज़्यादा यूटिलाइजिंग है और ये यहाँ जितने भी ग्रुप्स प्रेजेंट हैं सबको रिड्यूस करेगा। मैं आपको बताऊँ कि ये इसको एल्कोहल बनाएगा, इसको ये अमाइन बनाएगा, अमाइड को अमाइन बनाएगा, कीटोन का एल्कोहल बनाएगा और इस साइनाइड का भी प्राइमरी अमाइन बनाएगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे प्रेजेंट जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं सबको रिड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा आंसर टू, ठीक है। जेई मेन 2020 के 8 जनवरी के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये फर्स्ट इनिंग का क्वेश्चन है ना, सुबह वाली पारी को एक क्वेश्चन आया हुआ है, इंटीजर वाला क्वेश्चन है ये कि पेनिसिलिन में कितने कायरल सेंटर्स होंगे, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इन पेनिसिलिन इज। पेनिसिलिन जो है ना ये एक ड्रग है और इसका स्ट्रक्चर हमारे केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ वाले चैप्टर में है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये बड़ा डेंजरस क्वेश्चन हो गया, जिस बच्चे को इसका स्ट्रक्चर नहीं याद होगा उसको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो आप देखें, ये हमने बनाया हुआ है पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर, यहाँ पर यहाँ दो मिथाइल्स हैं और यहाँ पर सी ओ एच ग्रुप है। आप देखें कि कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर वो sp3 एटम होता है जिस पर चार डिफरेंट ग्रुप लगे हो, वो कायरल सेंटर कहलाता है, कायरल सेंटर, ठीक है ना। इस नाइट्रोजन को देखें, इस नाइट्रोजन पर हालांकि चार डिफरेंट ग्रुप्स हैं इंक्लूडिंग द लोन पेयर, बट दिस लोन पेयर इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, तो ये तो है sp2 और ये कायरल सेंटर नहीं हुआ। हमारा कायरल सेंटर कहां पर है, हमारा कायरल सेंटर एक यहाँ पर है, इस पे चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक कायरल सेंटर सॉरी यहाँ नहीं, ये तो दो मिथाइल्स लगे हुए, एक कायरल सेंटर यहाँ पर है इस पे चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं और एक कायरल सेंटर यहाँ पर है इस पे चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए। देखने में ये नाइट्रोजन भी चार डिफरेंट ग्रुप्स वाला है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसकी, इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो बेसिकली
दिस नाइट्रोजन इज ऑल्सो एन एस पी टू एटम. तो ये नाइट्रोजन भी sp2 है और ये नाइट्रोजन भी sp2 है, इसलिए दोनों कायरल नहीं, क्योंकि कायरल सेंटर की शर्त होती है कि वो sp3 होना चाहिए. एंड कायरल सेंटर इज दैट एटम व्हिच इज अटैच्ड विद द फोर डिफरेंट ग्रुप्स एंड इट्स हाइब्रिडेशन मस्ट बी sp3, राइट. तो ये नाइट्रोजन sp2 है इसलिए कायरल नहीं है, ये नाइट्रोजन sp2 है इसलिए ये कायरल नहीं है. इस सल्फर पर दो लोन पेयर वैसे ही होंगे, तीन लोन पेयर बल्कि हो जाएंगे इस पर, ठीक है ना. इस कार्बन पर कायरलिटी है, इस कार्बन पे कायरलिटी नहीं है, इस कार्बन पे कायरलिटी है, इस कार्बन पे ये कायरल सेंटर है, ये नाइट्रोजन नहीं है, ये नाइट्रोजन नहीं है, और ये तो sp2 कार्बन है ही सही. आर के बारे में कोई डिटेलिंग नहीं है, ठीक है ना. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी दैट दिस पेंसिलीन हैज थ्री कायरल सेंटर्स, ठीक है. जेई मेन 2020 के 8 जनवरी के फर्स्ट इनिंग का एक क्वेश्चन और हमें मिला है. अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ डीहाइड्रोजिनेशन, ब्रैकेट में उन्होंने ईवन रिएक्शन स्पेसिफाई भी कर दिया है, ठीक है ना. इनको अरेंज करना है, कौन कौन से कंपाउंड्स है देख लो. ऑप्शन वन में इन्होंने लिखा है कि ये है 1, 2, 3, 4 वन क्लोरोब्यूटेन, ठीक है ना. अगर इसका ईवन रिएक्शन करवाओ, ईवन रिएक्शन कैसे करवाओगे, पहले ये चला जाएगा राइट, फिर ये प्लस चार्ज बन जाएगा, पहले ये चला जाएगा तो ये प्लस चार्ज यहाँ बन जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ बन जाएगा, अब एलिमिनेशन हो जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा. ये है इवन प्रोडक्ट ऑफ ऑप्शन वन. ऑप्शन टू के लिए देख लो, ये वाला है, ठीक है ना. इवन रिएक्शन करवाओ, सबसे पहले प्लस चार्ज कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट से, हाइड्राइड शिफ्ट से ये रीअरेंज हो जाएगा तो कहाँ बन जाएगा भाई, प्लस चार्ज यहाँ बन जाएगा. क्या एडवांटेज मिलेगा इसको, क्या एडवांटेज मिलेगा इसको, इसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगी. और अब जब एलिमिनेशन होगा तो ये एक ऐसा रेजोनेंस स्टेबल कंजुगेटेड एल्कीन बनेगा, कंजुगेटेड डाइन बनेगा, कंजुगेटेड डाइन, ठीक है ना. ये बहुत स्टेबल है एज कम्पेयर टू फर्स्ट एटलीस्ट, ठीक है ना. सेकेंड के बाद थर्ड में देख लो, थर्ड में देख लो भाई, मतलब ये सेकंड थर्ड नहीं है, ये है ए, ये है बी, ठीक है ना. ये ए है, ये बी है, और अब सी में देख लो. सी इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है, चार चार कार्बनों का ही है, यहाँ पे सी लगाया हुआ है, ठीक है ना. सी देख लो, सी में तुमको ईवन करवाना है तो सबसे पहले कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा जो पहले से ही ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबल है. हमने देखा कि बी वाले केस में हमने देखा था कि जब कार्बोकेटायन बना था तो वो प्राइमरी था और रीअरेंजमेंट होने के बाद स्टेबल हुआ. इसमें जो पहला कार्बोकेटायन वही सेकेंडरी है और रेजोनेंस स्टेबल है, ठीक है ना. बाद में इसमें भी एच माइनस शिफ्ट हुई, सॉरी एच माइनस शिफ्ट की जरूरत नहीं, इसमें सीधा ई वन एलिमिनेशन हो जाएगा, एच प्लस निकल जाएगा इसमें से और फिर इसमें भी कॉन्जुगेटेड डाइईन बनेगा, ठीक है ना. कंजुगेटेड डाइन इसमें भी बन जाएगा. तो सबसे पहले सबसे बेहतरीन तो इसमें कौन सा है भाई, ए बी सी, इसको इन्होंने ए कहा है, इसको इन्होंने बी कहा है, इसको सी कहा है, और एक और बना देता हूं मैं ये वाला, इसको इन्होंने डी कहा है. बताओ भाई, ईवन करवाना है आपको, प्लस चार्ज बनेगा, इसका कंपेरिजन इससे कर लो, इसमें प्राइमरी कार्बोकेटायन बना था जो बाद में रीअरेंज होकर सेकेंडरी हुआ था, इसमें सेकेंडरी डायरेक्टली बना है और जब एलिमिनेशन होगा तो वही एल्कीन बन जाएगा. इसमें मैं बताना चाहता हूँ, बी और सी के केस में तो इन्होंने कॉन्जुगेटेड डाइईन बनवाया है, कॉन्जुगेटेड डाइईन जिसमें सी वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा फास्ट फॉर्म करेगा, ठीक है ना. और ए और डी के केस में इन्होंने बनवाया है सिंपल एल्कीन ब्यूट टू ईन, दोनों ही केस में, लेकिन इसमें कार्बोकेटायन जो फॉर्मेशन फास्ट होगी वो डी की होगी, ठीक है ना. तो सबसे ज़्यादा फास्ट कौन करेगा भाई, सबसे ज़्यादा फास्ट फॉर्मेशन होगी सी की, उसके बाद सेकंड फास्टेस्ट कौन होगा, बी होगा, उसके बाद कौन होगा, डी होगा, उसके बाद कौन होगा, ए होगा. तो आंसर निकला ऑप्शन टू, ऑप्शन टू विल बी आवर आंसर, सी बी डी ए, ठीक है ना, सी बी डी ए. ये इसको इन्होंने कहा है ऑप्शन ए, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, इसको कहा है बी,
इसको कहा है सी और इसको कहा है डी, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, सिंपल एलिमिनेशन का क्वेश्चन है, नोट कर लें।